प्रश्न एक, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आंसर यकृत। प्रश्न दो, मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आंसर रिलैक्सिन। प्रश्न तीन, मनुष्य में एक्सिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर सेरिब्रम। प्रश्न चार, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर हाइपोथैलेमस। प्रश्न पाँच, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर कूटपात। प्रश्न छः, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आंसर श्वासोच्छ्वास। प्रश्न सात, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? आंसर ग्लूकोज। प्रश्न आठ, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आंसर विसरण। प्रश्न नौ, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आंसर विघटन। प्रश्न दस, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? उत्तर आंसर सुक्रोज। प्रश्न ग्यारह, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप होता है? आंसर 120/80। प्रश्न बारह, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? आंसर ड्यूरामीटर। प्रश्न तेरह, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आंसर घ्रणेंद्रिय पाली। प्रश्न चौदह, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? आंसर सेरिब्रम। प्रश्न पंद्रह, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? आंसर इंसुलिन के कारण। प्रश्न सोलह, ऑक्सीजन है? आंसर एंजाइम। प्रश्न सत्रह, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? आंसर पोषण, उत्तरजन, श्वसन सब। प्रश्न अठारह, गोबर छाता किसके अंतरंग आता है? आंसर मृतजीवी। प्रश्न उन्नीस, वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है? उत्तर 0.03%। प्रश्न ट्वेंटी, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? आंसर सियोकाइट्स। प्रश्न इक्कीस, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आंसर फेफड़ा। प्रश्न बाईस, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आंसर हाइपरटेंशन।